हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में जैसे आपको पता है एनसीआर टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह साढ़े पांच बजे लाइव चलता है तो रोज सुबह साढ़े पांच बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं और आज की इस वीडियो में एनसीई बुक से तीस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो सभी विषयों का है तो एक भी प्रश्न आप स्कीप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो तीस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा दो के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से पहला नंबर प्रश्न है कि डब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष की गई काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष की गई तो यहाँ पे डब्लू का फुल फॉर्म क्या होगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में क्या होगा तो विश्व व्यापार संगठन तो यहाँ पे आपको बताना है कि डब्लू की स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है उन्नीस ईस्वी में बी ऑप्शन है उन्नीस ईस्वी में सी ऑप्शन है उन्नीस ईस्वी में डी ऑप्शन है दो ईस्वी में तो यहाँ पे आपको बताना है कि डब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष की गई तो उन्नीस सौ ईस्वी में की गई इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और डब्ल्यू की मुख्यालय कहाँ है तो जनेवा में है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर दो नंबर प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है ए ऑप्शन है मीटर बी ऑप्शन है सेंटीमीटर सी ऑप्शन है किलोवाट डी ऑप्शन है मात्रक विहीन तो यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है तो आवर्धन क्या होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और जो आवर्धन होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है ये मात्रक विहीन होता है यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा जो आवर्धन होता है है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है ये मात्रक विहीन होता है यानी यह यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर तीन नंबर प्रश्न की लेखक के घर मछली कौन खाता था ऑप्शन e है लेखक बी ऑप्शन है पिता सी ऑप्शन है माँ डी ऑप्शन है बांध तो पे आप आपको बताना है कि लेखक के घर मछली कौन खाता था तो लेखक के घर मछली पिताजी खाते थे जो लेखक के पिताजी थे वो मछली खाते थे यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्कीप मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर चार नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर तो है तो इसका त्रिज्या निकाले यहां पे देखिए एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है एक मीटर स्क्वायर दिया है तो बोल रहा है कि इसका त्रिज्या आपको क्या करना है निकालना है तो सबसे पहले दिया क्या है तो दिया है यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल तो सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है एक तो यहाँ पे लिख देंगे चौवन मीटर स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए वृत्त का का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है है तो ये पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर बराबर अब कितना हो गया चौवन मीटर स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए पाई का मान रख दीजिए पाई का मान कितना होता है तो बाइस बटा होता है और गुणे है यहाँ पे आर स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे त्रिजिया का स्क्वायर है यानी आर किसे कहते हैं तो आर त्रिजिया को कहते हैं बराबर यहाँ पे देखिए एक मीटर स्क्वायर अब यहां पे देखिए 22 बटा सात को क्या करेंगे बराबर के उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहां आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा यानी यहां पे देखिए स्क्वायर बराबर क्या एक सौ चौवन मीटर गुड़े नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहां आ जाएगा नीचे यहां पे हो गया बाईस सात बटा बाईस हो जाएगा ये अब कटा दीजिए बाईस से एक कितना बार में कटेगा सात बार में कटेगा यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया सात कितना हो जाएगा यहाँ पे उनचास और यहाँ पे

यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर पांच नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ए ऑप्शन है सात मार्च को बी ऑप्शन है आठ मार्च को सी ऑप्शन है नौ मार्च को डी ऑप्शन है एक मई को तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो ये आठ मार्च को मनाया जाता है यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है है, तो एक मई को मनाया जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है इसमें तीस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक का है तो एक भी प्रश्न आप आपकी मत कीजिएगा क्योंकि ये जो तीस ये जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा दो के लिए काफी महत्वपूर्ण है देखते हैं, अगला प्रश्न छह नंबर छह नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था है ए ऑप्शन है पेरियार बी ऑप्शन है सुरंगम सी ऑप्शन है आहार आप डी ऑप्शन है कट्टा यहां पर आपको बताना है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था है तो कौन है तो सुरंगम है इसे आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर सात नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वंद समास का उदाहरण है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन द्वंद समास का उदाहरण है ए ऑप्शन है दशानंद बी ऑप्शन है प्रेम सागर सी ऑप्शन है दिन रात डी ऑप्शन है प्रतिदिन तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन द्वंद समास का उदाहरण है तो यहाँ पे देखिए दिन रात क्या हो जाएगा यहाँ पे द्वंद समास का उदाहरण होगा यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और द्वंद समास किसे कहते हैं तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे ही द्वंद समास कहा

स्थित है तो जो पटना है वो गंगा के किनारे स्थित है ये आपको याद रखना है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर नौ नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस बारह के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है, कि इस का यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा है अभी तक आप फॉर्मूला नहीं याद किए है तो आप लोग लिख के यहाँ पे याद कर लीजिए क्योंकि एक प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा अब यहाँ पे आपको बी का मान रखना है ए का मान रखना है तो ये मिलेगा कहा से तो इसी बहुपद में मिलेगा जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो ए होगा जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा हो c होगा तो यहाँ पे देखिए में क्या गुणा कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है b का मान देख लीजिए पे x में क्या गुणा कर सात है है यानी b का मान पे और c का मान कितना है जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो सी का मान होता है सी का मान यहाँ पे कितना है बारह है अब बस यहाँ पे रख दीजिए माइनस है तो माइनस रख दीजिए बी का मान सात है तो यहाँ पर रख दीजिए सात और ए का मान कितना है एक है तो यहाँ पर रख दीजिए एक माइनस

दस नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ ए ऑप्शन है 1920 सो भुज बी ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद सी ऑप्शन है 1930 दांडी डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो दस नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ ये आपको याद रखना है बोर्ड परीक्षा दो के लिए काफी महत्वपूर्ण है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न

यहाँ पर देखिए बारह नंबर प्रश्न है कि इस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है काफी बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है ए ऑप्शन है श्रीनिवास बी ऑप्शन है सतकोड़ी होता सी ऑप्शन है सुजाता डी ऑप्शन है ईश्वर पेटली तो यहाँ पे आपको आप बताना है कि इस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है तो इस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता है ये आपको याद रखना है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न तेरह नंबर नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनिज किसके समय में पटना आया था यह भी संस्कृत का प्रश्न है कि मेगास्थनिज किसके समय में पटना आया था ए ऑप्शन है अशोक के समय में बी ऑप्शन है मुगल के समय में सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में तो यहां पे आपको बताना है कि मेगास्थनिज किसके समय में पटना आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न चौदह नंबर चौदह नंबर प्रश्न गणित का है कि रेखाएं x प्लस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो और यहां पे दो एक्स प्लस चार वाई माइनस बारह बराबर जीरो कैसी होगी ए ऑप्शन है समानांतर बी ऑप्शन है संपाति सी ऑप्शन है प्रतिष्छेदी होगी डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे बताना है कि जो ये दो समीकरण दिया है इसका आलेख कैसा होगा ये रेखाएं कैसी होगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए वन बटा ए टू निकालना पड़ेगा फिर यहाँ पे बी वन बटा बी टू निकालना पड़ेगा अगर ये बराबर नहीं बराबर आया तो सही

है तो यहाँ पर रख दीजिए अब देखिए B1 का मान पे देख लीजिए दो है तो यहां पर रख दीजिए दो और बी टू का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार है तो चार अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए दो एक अग, दो, दो चार यहाँ पे देखिए बराबर आ गया। जब बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे तीसरे वाले में चलेंगे यहाँ पे सी वन का मान रख दीजिए तो सी वन यहाँ पे माइनस चार है तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस चार और सी टू कितना है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस बारह है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बारह अब यहां पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा कम, चार एक बारह ये आ गया एक बटा तीन तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू आपस में बराबर है लेकिन सी वन बटा सी टू बराबर नहीं है तो ऐसा कंडीशन बनेगा ए वन बटा ए टू बराबर ये होगा बी वन बटा बी टू के ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन

पंद्रह प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है ए ऑप्शन है राजमार्ग संख्या एक बी ऑप्शन है राजमार्ग संख्या सात सी ऑप्शन है राजमार्ग संख्या फोर्टी सेवन ए डी ऑप्शन है राजमार्ग संख्या यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो राजमार्ग है है इसे आपको याद रखना यानी पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो उसे दोनों में से कोई एक आपको देगा अगर सात देगा तो चौवालीस नहीं देगा अगर चौवालीस देगा तो फिर सात नहीं देगा तो ध्यान रखना है करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा आ ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे सोलह नंबर सोलह नंबर प्रश्न देखिए कि एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है यहां पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मानव के के नेत्र लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है ए ऑप्शन है जीरो एवं पच्चीस सेंटीमीटर बी ऑप्शन है जीरो और अनंत सी ऑप्शन है पच्चीस सेंटीमीटर एवं यहाँ पे ढाई सेंटीमीटर यहाँ पे डी ऑप्शन है पच्चीस सेंटीमीटर एवं अनंत तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम

का जन्म कब हुआ ए ऑप्शन है 1871 ईसवी में बी ऑप्शन है 1881 ईसवी में सी ऑप्शन है 1861 ईसवी में डी ऑप्शन है 1891 ईसवी में तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ तो 1891 ईसवी में हुआ यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 18 नंबर अठारह नंबर प्रश्न संस्कृत का है कि असहिष्णुता किसकी जननी है ए ऑप्शन है हम... मातृत्व की बी ऑप्शन है द्वेष की सी ऑप्शन है प्रेम की डी ऑप्शन है अहिंसा की तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता किसकी जननी है तो ये द्वेष की जननी है इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न उन्नीस नंबर जो गणित का है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न कि मूल बिंदु से बिंदु माइनस तीन माइनस छ की बीच की दूरी निकाले यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर ये आपको याद रखना है मूल बिंदु से किसी बिंदु की अगर दूरी पूछे कि कितना होगा तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर तो यहाँ पे एक बिंदु है जिसका पहला मान क्या होगा x का होगा और जो दूसरा होता है वो y का मान होता है तो इसमें रख दीजिए अब तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान माइनस है तो यहाँ पे हो गया माइनस और स्क्वायर e प्लस यहाँ पे देखिए वाई का मान कितना है माइनस तो यहाँ पे माइनस और इसका स्क्वायर e अब माइनस आप लोग गुणा कीजिएगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि माइनस तीन दो बार गुणा कर दीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तीन त्री का नौ हो जाएगा तो ये हो गया हमारा नौ प्लस में और यहाँ पे देखिए माइनस छ भी इसी तरह जब आप दो बार गुणा कीजिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और छाछा के कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम छत्तीस अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए ये कितना होगा 36 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे शायद 45 होगा तो बिल्कुल ये 45 होगा उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका क्या करेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणा खंड करेंगे तो 45 का जब आप अभाज्य गुणान खंड कीजिएगा तो ये तीन से कटेगा तीन से तीन एकम तीन और यहाँ पे देखिए पंद्रह तीन पाचे पंद्रह यानी पंद्रह तिया पैंतालीस होता है सही है तीन से कट गया फिर यहाँ पे देखिए पांच से कटा दीजिए पांच तिया कितना हो जाएगा पंद्रह तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस

बीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं और मानव कृत आपदा किसे कहते हैं जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं ए ऑप्शन है सुनामी बी ऑप्शन है बाढ़ सी ऑप्शन है हिमखलन डी ऑप्शन है दंगा तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है बाढ़ भी प्राकृतिक

बी ऑप्शन है प्रोटॉन का प्रवाह सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन का प्रवाह डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो पे आपको बताना है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ये आपको याद रखना है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रश्न ये भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है तो ऋण आवेश होता है प्रोटोन पे कौन सा आवेश होता है तो धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है तो कोई भी आवेश नहीं होता ये चार्ज लेस होता है तो इन तीनों को आपको साथ में याद रखना है क्योंकि तीनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर 22 नंबर प्रश्न हिंदी का है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है यहां पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है ए ऑप्शन है नेता बी ऑप्शन है जनता सी ऑप्शन है राजा डी ऑप्शन है मंत्री तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है तो जनता है इसे आपको याद रखना है यानी पे पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जाएगा बिल्कुल ही सही ये देखते हैं अगला प्रश्न तेईस नंबर तेईस नंबर प्रश्न संस्कृत का है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है ए ऑप्शन है शल्य बी ऑप्शन है भाष सी ऑप्शन है इंद्र डी ऑप्शन है कर्ण तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है तो पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है तो कण चाहते थे ये आपको याद रखना है कण विश्व के सबसे दानशील व्यक्ति थे यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कण के पास जन्म से ही कोच कुंडल था और कोच कुंडल इसकी रक्षा करता था जो उसे भी इन्होंने दान में दे दिया भगवान इंद्र को आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर चौबीस नंबर प्रश्न है कि आंकड़े यहाँ पे दो तीन पांच तीन यहाँ पे देखिए सात तीन छे का परिसर निकालें यहाँ पे आपको क्या निकालना है परिसर निकालना है तो परिसर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है तो बड़ी संख्या में से क्या कर दिया जाता है छोटी संख्या को घटा लिया जाता है तो इसमें सबसे छोटी यहाँ पे इसमें ढूंढिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या सात है तो यहाँ पे लिख दीजिए सात फिर यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे छोटी संख्या ढूंढना है तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा यहाँ पे दो होगा तो यहाँ पे सात में से दो क्या

क्योंकि तीन सबसे ज्यादा बार आया है तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर 25 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं ए ऑप्शन है महापौर बी ऑप्शन है नगर प्रधान सी ऑप्शन है नगर सचिव डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो यहां आप पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं तो महापौर कहते हैं ये आपको याद रखना है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो पांच वर्षों का होता है तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है ए ऑप्शन है इस्पात का बी ऑप्शन है पित्तल का सी ऑप्शन है, है? तो नरम लोहा का, डी ऑप्शन से आपको याद रखना है जब विद्युत चुंबक बनाना हो तो नरम लोहा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अस्थायी चुंबक बनाने में किस प्रकार का यहाँ de यहाँ पे पदार्थ का प्रयोग होता है तो इस्पात का प्रयोग होता है तो ये यह आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखिए अस्थाई चुंबक किसका बनता है तो नरम लोहा का बनता है और विद्युत चुंबक किसका बनता है तो यहाँ पे देखिए नर यहाँ पे नरम लोहा का बनता है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्वान मतलब विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें धारा प्रवाहित हो अगर धारा यहाँ से हटा लिया जाएगा तो फिर वो पहले जैसे रूप में आ जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे सताई सताइस नंबर नंबर प्रश्न कि भारत से हम क्या सीखे क्या है ए ऑप्शन है कहानी बी ऑप्शन है निबंध सी ऑप्शन है भाषण डी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र तो ये हिंदी का प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है तो ये क्या है भाषण है इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न अट्ठाईस नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है कि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले का यहां पे आपको त्रिज्या निकालना है बोल रहा है कि एक गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों आपस में क्या है बराबर है तो आप क्या कर दीजिए त्रिज्या निकाल दीजिए तो यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता होता है है तो ये होता है, फोर पाई स्क्वायर और देखिए गोले का आयतन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो और यहाँ पे देखिए जो गोला का आयतन है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है तो हम यहाँ पे बराबर कर दिए हैं अब यहाँ से देखिए जो पाई है वो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा ऊपर चार है तो ऊपर ये चार क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे देखिए आर ए स्क्वायर बराबर कितना बचा यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है यानी यहाँ पे देखिए जो आर क्यूब है ये क्या है ये बट्टा के ऊपर है यानी ये हो गया हमारा आर क्यूब बट्टा क्या बचा है यहाँ पे तीन अब यहाँ पे देखिए आर कितना है दो है तो यहाँ पे लिख दीजिए आर गुणे आर और यहाँ पे आर कितना है तीन है तो यहाँ पे लिख दीजिए आर यहाँ पे तीन और बट्टा के नीचे तीन है तो तीन अब देखिए दो आर से दो आर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा इधर क्या बचा एक और यहाँ बचा आर और बट्टा के नीचे कितना बचा यहाँ पे तीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आर में एक से गुणा होगा तो आर और तीन में एक से गुणा होगा तो यहां पे तीन यानी त्रिज्या कितना निकलेगा यहाँ पे तीन निकलेगा यानी पे ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था यहाँ पे प्रश्न की किसी गोले का पृष्टीय क्षेत्रफल फलूला और आयतन का फॉर्मूला और बीच में बराबर दे दीजिए क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे देखिए चार ऊपर है पाई भी ऊपर है बट्टा के नीचे नहीं है और आर भी क्या है बट्टा के ऊपर है ये बट्टा के नीचे कौन है सिर्फ तीन है तो यहाँ पे देखिए पाई, पाई से पाई कट गया एक तो पाई से पाई कट गया चार से चार कट गया फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा आर स्क्वायर बचा और यहाँ पे देखिए जो क्यू है ये बट्टा के ऊपर है बट्टा के नीचे नहीं है तो यहाँ पे क्यू को बट्टा के ऊपर करेंगे तीन बट्टा के नीचे है तो यहाँ पे लिख देंगे बट्टा के नीचे तीन फिर यहां पे देखिए आर यहाँ पे कितना बार है दो बार है अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे दो आर से यहाँ पे दो आर कटा के सिर्फ यहाँ पे आर लिख देंगे तो ऐसे समझाने के लिए हम यहां पे लिखे आर कितना है दो है तो यहां पे दो बार लिख दीजिए लिख दिए और यहां पे देखिए आर तीन बार है तो यहाँ पे तीन बार लिख दिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दो आर से दो बार कट जाएगा यहाँ पे बचेगा एक बराबर आर बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आर मान तीन निकल जाएगा यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न उन्तीस नंबर उन्तीस नंबर प्रश्न है विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है ए हरे, बी लाल रंग का, सी काले रंग का डी ऑप्शन तो है लाल इसे आपको याद रखना है यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जो उदासीन तार होता है ये किस रंग का होता है तो ये काले रंग का होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न तीस नंबर तीस नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है ए ऑप्शन है सिवान बी ऑप्शन है पूर्णिया सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर डी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण तो यहाँ पे आप आपको बताना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आप यहाँ पे तीस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सोल्व कर चुके हैं अब आप हमें बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ तीस में से अगर आपका तीस में से पच्चीस भी आता है तो काफी अच्छी तैयारी है तो आप लोग अब कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे और यहां पे देख लीजिए होमवर्क प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है यदि ए बराबर तीन तथा डी बराबर दो हो तो एपी के दसवा पद ज्ञात करें यहाँ पे ए बराबर दे दिया है तीन और डी बराबर कितना दिया है दो तो बोल रहा है कि एपी का दसवां पद ज्ञात करे तो दसवां पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस क्या होता है नौ डी होता है एक कम करके लिखा जाता है यहाँ पे ए का मान रख दीजिएगा डी का मान रख दीजिएगा रख दीजिएगा जो यहाँ पे दे दिया है तो रख के सॉल्व कर लीजिएगा और जितना आंसर आएगा आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ये रहा आपका ऑप्शन जो भी ऑप्शन सही हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा आपका कमेंट का इंतजार रहेगा वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेलाइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग रिविजन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगाया कि पढ़ाई कीजिए बाय